और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ, तो वो जो उनको कष्ट हुआ उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ, तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत, डरो मत। आज जो मेरा भाषण है, डरो मत। और आप डरो मत, डरो मत, डरो मत। स्पीकर सर, अरे ब्रदर, तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अडानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। डरिए मत। अरे रक्षा मंत्री जी, आज संभाल लेंगे हम लोग। पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ।